आप एक बेस्ट गीजर ढूंढ रहे हो तो ये चीज़ तो आपको कोई भी बता सकता है। इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस एंड ब्लॉग है, कोई भी देख के बाय कर लो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कई वीडियोस देख चुके हो एंड टोटली कंफ्यूज हो बहुत सारे सिमिलर स्पेक गीजर्स में, स्पेशली ब्रांड्स की मार्केटिंग एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे बिल्कुल अननेसेसरी प्राइस फ्लक्चुएशन से, लाइक कभी कोई गीजर यहाँ पे 7,000 का मिलता है एंड फिर वही सेम गीजर 9,000 का, तो इस केस में आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, क्योंकि मैं आपसे इस वीडियो के सेकंड सेक्शन में सारे गीजर को कंपेयर करके आपसे बेस्ट गीजर की लिस्ट शेयर करूंगा विथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओ। और वैसे इस वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में मैं आपसे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही किसी प्रोडक्ट की डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में एंड ना ही किसी के यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले वीडियो में, जहाँ लोग प्रोडक्ट को ऑन करे बिना इजली वादे करते थे कि हमने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे टेस्ट किए हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। बट यहाँ पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ईजिली बोल सकता हूँ, सुमित वाईपीएफ के यहाँ पे आपका जो भी कन्फ्यूज़न है डिफरेंट ब्रांड्स के गीजर में वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके अनवाइज फ्रेंड सुमित के साथ। गीजर का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉस्टली पार्ट होता है गीजर का वाटर टैंक, जो आपको सब गीजर में स्टेनलेस स्टील का मिलता है। बस यहाँ पे कुछ ब्रांड्स इसको माइल्ड स्टील एंड कुछ ब्रांड्स इसको टाइटेनियम स्टील बोलते हैं। एंड इस टैंक को कोरोजन से बचाने के लिए इस टैंक के अंदर साइड यहाँ पे एंटी कोरोसिव कोटिंग की जाती है, जिनको मैं यहाँ पे मेजरली दो टाइप में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है ग्लास लाइनिंग और इनेमल कोटिंग एंड सेकेंड इज पॉलीमर कोटिंग। एंड यहाँ पे bijlibachao.com के हिसाब से पॉलीमर कोटिंग बेटर होती है अपनी ग्लास लाइनिंग कोटिंग से, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मैं यहाँ पे ग्लास लाइनिंग और आप बोल सकते हो इनेमल कोटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ओवर पॉलीमर कोटिंग। एंड आपको मेजॉरिटी ब्रांड्स में यहाँ पे ग्लास लाइनिंग कोटिंग ही मिलती है, जिसका नाम यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स अलग अलग रखती हैं, लाइक टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी, टाइटेनियम इनेमल कोटिंग, ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग, फेरोग्लास टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और हर ब्रांड का यहाँ पे ये कहना है कि उनकी जो कोटिंग है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन इसको यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक या दो ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे इन कोटिंग की जो थिकनेस है उसको मेंशन करते हैं। बाकी ये जो अपनी पॉलीमर कोटिंग है वो आपको सिर्फ एक या दो ब्रांड्स में देखने के लिए मिलता है, लाइक क्रॉम्पटन जो इसको बोलता है नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी। नाउ अब यहाँ पे हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, जो होता है अपने गीजर का हीटिंग एलिमेंट। तो इसमें भी आपको मेजरली कॉपर, निकल कोटेड कॉपर इंक्लॉय एंड ग्लास कोटेड इंक्लॉय हीटिंग एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिनको मैं यहाँ पे इन ऑर्डर में रेट करता हूँ। थर्ड, आपको यहाँ पे जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं किसी भी गीजर के, वो ज़्यादातर यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस एंड इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस होती है वो मेजॉरिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर ही संभालते हैं, एंड इसका यहाँ पे ब्रांड्स के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और आपके यहाँ पे किस ब्रांड की सर्विस कैसी है ये चीज़ तो आपको खुद ही पता करनी होगी, एंड कैसे करनी है वो मैं आपको कई बार अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और वैसे अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ब्रांड को कॉल करके अपने एरिया की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो, तो इस बात से मैं बिल्कुल भी 1% भी एग्री नहीं करता। बाकी इंस्टॉलेशन की बात रही तो यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स आपको फ्री इंस्टॉलेशन एंड गीज़र के लिए जो अपने कनेक्शन पाइप होते हैं वो नहीं देते, एंड जिनके साथ आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलती है वो भी आपको सिलेक्टेड सिटीज़ में ही आपको फ्री इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अगर आपके लिए फ्री इंस्टॉलेशन एक मेजर कंसर्न है तो यहाँ पे आप गीज़र लेने से पहले उनको एक बार कॉल करके अपनी लोकेशन बता के पूछ ज़रूर लेना। और वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अपने लोकल मार्केट से यहाँ पे कनेक्शन पाइप खरीद के लोकली इंस्टॉल भी करा सकते हो, एंड मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये आपको ज़्यादा कन्वीनियंट एंड यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। फोर्थ, आपको सब गीजर में एक मैग्नीशियम की सेक्रीफिशियल एनोड रॉड देखने के लिए मिल जाती है, जो अपने आप को करोड़ करके गीजर के हीटिंग एलिमेंट एंड टैंक के ऊपर जो मिनरल सेडिमेंट एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होता है उसको रोकेगा एंड साथ ही में अपने गीजर को हार्ड वाटर से भी बचाएगा, जिससे गीजर की हीटिंग एलिमेंट एंड टैंक की लाइफ इंक्रीज हो एंड साथ ही में हीटिंग टाइम एंड पावर कंजप्शन लो रहे। बाकी ये जो एनोड रॉड होती है उसके सेक्रीफिशियल नेचर की वजह से आपको एक टाइम इंटरवल के बाद अपने गीजर की एनोड रॉड को चेंज करवाना होता है, एंड इसको जो चेंज करवाने का इंटरवल होता है वो डिपेंड करता है आपके घर के पानी के ऊपर,
वो जितना ज़्यादा हार्ड रहेगा उतने ही फ्रीक्वेंटली आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा। लाइक कुछ लोगों के लिए 1 साल रहता है, कुछ लोगों के लिए 2 साल, या आपके यहाँ पे जो वाटर है उस पर ही डिपेंड करेगा। एंड वैसे कई ब्रांड्स यहाँ पे क्लेम करते हैं कि उनके गीज़र में आपको जो एनोड रॉड है वो 20-25% थिकर मिलेगी, जो अदर गीज़र के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा चलेंगी। और वैसे अगर आपके यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर आता है तो गीज़र के हीटिंग टाइम पे आपको इस टाइप की वाटर बॉइलिंग, पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड सुनाई दे सकती है। एंड इन साउंड के पीछे का जो रीज़न है वो यहाँ पे मिनरल सेडिमेंट्स एंड सॉल्ट फॉर्मेशन, जो आपके गीज़र में अपने हार्ड वाटर के होने के वजह से होता है। इसलिए आपको अपने गीज़र में बॉइलिंग के टाइम पे आपको ये क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। एंड वैसे देखा जाए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बस इसको कम या प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने गीज़र को हर 6 महीने में एक बार प्रॉपरली फ्लश करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ऑफ सीज़न में अपने गीज़र को यूज़ नहीं करते तो उस केस में आपको जो गीज़र का इनलेट वॉल्व है उसको बंद कर देना है प्रॉपर फ्लश करने के बाद, जिससे आपके गीज़र के टैंक, हीटिंग एलिमेंट एंड एनोड रॉड की लाइफ बढ़ेगी। 5th, यहाँ पे मैं जो भी स्टोरेज गीज़र रिकमेंड करता हूँ उन सब में आपको ये सारे जो फीचर्स हैं वो कॉमन देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से कोई भी फीचर ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है जिस तरीके से अपने शॉप वाले एंड यूट्यूब पे पेड वीडियोस इनको मार्केट करती है। एंड इनमें से भी ये जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पे इस वॉल की मदद से ऐड किया जाता है। 6th, यहाँ पे हर ब्रांड मेंशन करता है कि उनके गीजर में आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार PVF इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आपका जो पानी स्टोरेज टैंक के अंदर वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर सकता, एंड मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी जो PVF इंसुलेशन है उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलता। 7th, यहाँ पे जो आपको सारे गीजर्स हैं उनमें जो आउटर बॉडी वो या तो आपको प्लास्टिक और यू कैन से ABS की मिलेगी या फिर आपको पाउडर कोटेड मेटल की मिलेगी। एंड इन दोनों में से यहाँ पे मैं जो प्लास्टिक या बोलो ABS की जो आउटर बॉडी होती है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। 8th, आपको कई सारे गीजर में वर्ल्ड फ्लो, स्विल फ्लो एंड स्मार्ट मिक्स नाम की टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे गीजर में जो अपना इनलेट कोल्ड वाटर होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे अपने हॉट वाटर से मिक्स नहीं होता। एंड यहाँ पे ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली इसके वजह से आपको 10-15-20% तक ज़्यादा गर्म पानी एंड पावर सेविंग का बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता। बाकी ये जो इनके क्लेम्स हैं वो कितने परसेंट सही है यहाँ पे हम इस चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे ये इजीली बोल सकता हूँ कि इसके वजह से यहाँ पे जो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस है गीज़र का वो ज़रूर बेटर होगा। 9th, इस वीडियो में रेफरेंस, कंपैरिजन एंड प्राइसिंग के लिए 15 लीटर गीज़र को मैंने सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर आपको एक 10 या 25 लीटर का गीज़र लेना है तो आप इन्हीं गीज़र के जो वेरियंट्स हैं उनको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रहेगी, यहाँ पर जो भी मेरे थाट्स रहेंगे वो यहाँ पर सेम रहेंगे सब वेरियंट के लिए। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस बताते हुए चलूँगा, जिससे आप डील्स या ऑफर के टाइम पे कंफ्यूज ना हो। 10th, जैसा कि आप जानते हो ये तो एक वीडियो है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन ये है एक ब्लॉग जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड इस ब्लॉग में आपको ऑलवेज अपडेटेड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिलेगी विद ब्रीफ ओवरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट लेना हो या फिर आपके प्रेफरेंसेस कुछ और हो, किसी और साइज़ का आपको गीज़र लेना है या फिर आप ये वाली वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हो, तो ये वाले ब्लॉग को भी आप ज़रूर विजिट कर लेना। एंड वैसे जो आपको लिंक्स मिलेंगे इस ब्लॉग में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो सारी आपको जेन्युइन सेलर की लिंक मिलेगी। एंड साथ ही ये सारी लिंक मेरी एफिलिएट लिंक भी है, जिनके थ्रू आप अपना कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप अपने प्राइस को 1 भी रुपये चेंज करे बिना इस टाइप के अनबायस्ड, कंप्लीट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे बेस्ट गीजर की अपनी जो लिस्ट है वो शेयर करता हूँ। सो इस लिस्ट का जो फर्स्ट गीजर है वो यहाँ पे क्रॉम्पटन एमी का, जिसके जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो आपको अपनी डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, जिसको मैं किसी भी गीजर के लिए रीड करके मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे सीधा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की, जिससे आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओ।
जो कि इस गीज़र के लिए है कि ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गीज़र है अंडर 6,000 रुपीज़, जिसमें आपको सारे एसेंशियल फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो एक गीज़र में होने चाहिए। एंड वैसे आपको इस गीज़र के टैंक में एक पॉलीमर कोटिंग देखने के लिए मिलती है। एंड जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि मैं यहाँ पर एक ग्लास लाइनिंग और यू कैन से इनेमल कोटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ओवर पॉलीमर कोटिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉलीमर कोटिंग बेकार है। यहाँ पे इस गीज़र के टैंक में आपको 7 ईयर्स की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ब्रांड ऐसे ही नहीं देने वाला, विच मीन्स यहाँ पे ग्लास लाइनिंग कोटिंग और यू कैन से इनेमल कोटिंग एंड पॉलीमर कोटिंग यहाँ पे दोनों ही बहुत अच्छी कोटिंग्स हैं। दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लाइफ के मामले में। बाकी अगर आपको ये क्रॉम्पटन एमई का गीज़र ना लेना हो, या फिर आप जिस टाइम पे ले रहे हो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, या फिर जिस टाइम पे आप ले रहे हो उस टाइम पे इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो, तो यहाँ पे मैं आपको दो और ऑप्शन देता हूँ, जिसमें फर्स्ट है अपना क्रॉम्पटन अर्नो न्यू, जो कि अमेजोन पे वन ऑफ द बेस्ट सेलर गीज़र में से एक है। एंड यहाँ पे जो सेकंड गीज़र है वो है यहाँ पे बजाज न्यू शक्ति प्लस, जो कि एक 4-स्टार गीज़र है। और वैसे ये जो दोनों ही गीज़र है वो इस सेगमेंट के वन ऑफ द बेस्ट गीज़र हैं। जो गीज़र आपको सस्ता मिले, जिसकी सर्विस आपके एरिया में ज़्यादा बेटर हो, आप वाला गीज़र बाय कर सकते हो। एंड फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पे क्रॉम्पटन अर्नो न्यू को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये एक 5-स्टार गीज़र है। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अंडर 7,000 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक इको स्मार्ट प्लस, जिसमें आपको सारे एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं एंड सारे आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड इस गीज़र को मैं आराम से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गीज़र बोल सकता हूँ विद ओवरऑल गुड गारंटी पैकेज। बाकी हम अगर अबाउट 7,000 की बात करें तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट गीज़र है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एनामोर प्लस, जो कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ट फीचर रिच गीज़र है अंडर 7,500 रुपीज़। एंड इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है एंटी बैक्टीरियल टैंक का, जिसमें ओरिएंट के हिसाब से यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा बैक्टीरिया की फॉर्मेशन टैंक के अंदर। एंड साथ ही में आपको यहाँ पे वर्कफ्लो टेक्नोलॉजी भी इस गीज़र में देखने के लिए मिल जाती है। एंड इन दोनों फीचर्स को यहाँ पे मैं अपनी गुड टू हैव लिस्ट में तो ज़रूर ऐड कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको एनामोर प्लस गीज़र नहीं लेना है, या फिर आपको ना मिले, या फिर इसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जिस टाइम पे आप गीज़र देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको 3 गीज़र और रिकमेंड करता हूँ अंडर 7,500, जिसमें फर्स्ट है हैवेल्स मोंजा एसी, सेकंड है एओस्मिथ एचईएस एंड थर्ड है वीनस ऑड्रा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो गीज़र्स हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत अननेसेसरी फ्लक्चुएट होती है, दैट्स वाई जब भी आप गीज़र ले रहे हो तो इन तीनों में से आप कोई भी गीज़र कंसिडर कर सकते हो जिसकी प्राइस आपको कम मिले एंड जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में ज़्यादा अच्छी हो। बाकी यहाँ पे अगर आप मेरी प्रेफरेंस जानना चाहोगे तो यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैंने आपको इनके नाम बताया उसी ऑर्डर में मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़े हैं, अंडर 8,000 की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ उषा एक्वेरा, जिसमें आपको गीज़र के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है अपना टैंक, उसमें आपको 8 ईयर्स की वारंटी देखने के लिए मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और साथ ही में आपको इस गीज़र में एक परफॉर्मेंस बेस्ड हीट टैग भी देखने के लिए मिलेगा इसके इनलेट पाइप में, जिससे 20% तक की हॉट वाटर की यूटिलाइजेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऐसा उषा का कहना है, जिसको डेफिनेटली यहाँ पे मैं टेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको गुड टू हैव फीचर वाली लिस्ट में तो इंक्लूड ज़रूर कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपको ये उषा एक्वेरा गीज़र ना लेना हो, आपको ना मिले, या फिर आप जिस टाइम पे गीज़र ले रहे हो उस टाइम पे इसकी प्राइसिंग ज़्यादा मिले, तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन और रिकमेंड करता हूँ, जिसमें फर्स्ट है रिकॉर्ड एटर्नो प्लस, जिसमें ऑन पेपर तो ऐसा कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है, बस इतना है कि ये एक रिकॉर्ड का गीज़र है। एंड जिनको यहाँ पे एक ब्रांड स्पेसिफिक गीज़र लेना है उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसकी स्टैंडिंग लॉस वैल्यू यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है, दैट्स वाई ये मैं इजीली बोल सकता हूँ कि इस गीज़र की जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन वहीं यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसकी जो सर्विस है यहाँ पे Tier 3 एंड कुछ Tier 2 सिटीज़ में इतनी अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो है यहाँ पे V-Guard Pebble Shine, एंड यहाँ पे जो अपना थर्ड ऑप्शन है वो है यहाँ पे क्रॉम्पटन सिलेरियम क्यूब, जिसमें आपको सबसे कम वारंटी मिलती है, 2 साल की इस पे प्रोडक्ट वारंटी एंड 7 साल की वारंटी इसके टैंक पे। लेकिन अगर आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, इस लिस्ट का बेस्ट गीज़र आपसे शेयर करने से पहले,
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस टाइप के अनबायस्ड एंड कंप्लीट कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो। एंड बाय द वे आप यहाँ पे वीडियो कंप्लीट देख कर सपोर्ट कर ही रहे हो। नाउ अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस्ट स्मार्ट गीजर के बारे में, जिसमें मैं यहाँ पे चार गीजर रिकमेंड करता हूँ, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे ऊषा एक्वेरा डीजी, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गीजर है अंडर 9000 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, फीचर्स एंड सेफ्टी। इस गीजर के साथ आपको एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, जिससे अगर गीजर में यहाँ पे अर्थ लीकेज होता है, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आपके पानी में करंट जाता है, तो यहाँ पे ये गीजर ऑटोमेटिकली बिल्कुल इंस्टेंटली यहाँ पे जो अपनी पावर सप्लाई है उसको कट कर देगा, जो कि नो डाउट एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले, प्रीसेट टाइमर फंक्शन एंड रिमोट कंट्रोल जैसे आपको कुछ शानदार फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये एक बेस्ट ओवरऑल गीजर बन जाता है इस पूरे वीडियो का, वो भी अंडर 9000 रुपीज़। और वैसे अगर आपको यहाँ पे ये ऊषा एक्वेरा डीजी गीजर ना लेना हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लेकिन आपको यहाँ पे 9000 के अंदर अंदर ही एक रिमोट वाला गीजर लेना है, तो यहाँ पे आप ये दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, जो कि है वीगार्ड सेलिनो डीजी, जिसमें आपको यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले, टाइमर फंक्शन, इको मोड, रिमोट कंट्रोल एंड एक एंटी बैक्टीरियल मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 80 डिग्री पे यहाँ पे आपके पानी को टैंक के अंदर गर्म करके यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है उनको मारने की कोशिश करेगा। और वही यहाँ पे जो अपने अदर गीज़र आते हैं उनमें जो अपने हाईएस्ट टेम्परेचर होता है मोस्ट ऑफ द गीज़र में, वो यहाँ पे 75 डिग्री का होता है। बाकी अगर आपको यहाँ पे एक वाईफाई इनेबल एक स्मार्ट गीज़र लेना है, तो यहाँ पे आप क्रॉम्पटन सोलेरियम क्यूब IoT को भी कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको कई सारे स्मार्ट फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक वॉइस कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले, क्रॉम्पटन मोबाइल ऐप, एनर्जी कंजप्शन ट्रैकर, स्मार्ट शेड्यूलर, प्रीसेट टाइमर, पाथ मोड एंड सो ऑन। तो अगर आपको यहाँ पे एक IoT इनेबल गीजर लेना है तो 11000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपके पास यही एक ऑप्शन है। नाउ अब यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट गीजर की बात कर लें, तो वो है यहाँ पे Havells Edonia R, जो एक एस्थेटिकली बेस्ट गीजर है बिकॉज ऑफ दिस बिग LED रिंग, जिसमें आपको चार कलर देखने के लिए मिल जाते हैं जो अपने वाटर के टेम्परेचर है उसके साथ चेंज होंगे, और साथ ही में इसमें आपको जो अपना अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो भी देखने के लिए मिल जाता है स्विच के साथ इंटीग्रेटेड, जो कि अच्छा एक सेफ्टी फीचर्स है। और बाकी इसमें जो अच्छे फीचर्स हैं उनको आप यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हो, लेकिन वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करें ऊषा वाले मॉडल से, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे 11,700 रुपीज़ की। दैट्स वाई इसको हम एक वैल्यू फॉर मनी गीजर नहीं बोल सकते, लेकिन ओवरऑल गीजर अच्छा है। और वैसे इसी मैनर में आपको Havells का एक और गीजर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है Havells Bianca, जिसमें भी आपको प्लग के साथ इंटीग्रेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मिल जाता है, एंड बाकी जो इसकी जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और वैसे इसकी जो बेस्ट प्राइस है वो आपको 9500 के अप्रॉक्स पड़ेगी, जो कि अगेन थोड़ी सी ओवर प्राइस है। बाकी अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो लास्ट तक देखी है एंड आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी एंड आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसी फॉर्मेट में पूछना, तभी आपको अपने कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।